अब इस वक्त जो हालात आप देख रहे हैं वो आईसीयू के हालात हैं। कोई बच्चा आईसीयू में पहुंचता है और उसे वेंटिलेटर लगाने की जरूरत पड़ती है तो वो कैसे लगाया जाएगा। यहाँ पर ये जो ट्रेनिंग दी जा रही है उस दौरान ताकि क्लोज टू रियल एक्सपीरियंस हो, यानी कि जो असल में आप करेंगे वैसा ही एक्सपीरियंस हो। आप तीसरी लहर आएगी या नहीं आएगी, लेकिन अस्पतालों को तैयारियां करनी बेहद जरूरी हैं और इसीलिए देश के अलग अलग अस्पतालों में ये तैयारियां शुरू हो गई हैं कि अगर बच्चे शिकार होते हैं तो उनका इलाज कैसे करना है। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के कासना के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में मौजूद हैं और यहाँ ये जो डमी आपको नजर आ रही है इसी से आपको ये पता चल रहा होगा कि ये बच्चों को किस तरह से संभाला जाए, किस तरह से इमरजेंसी हालात में उनकी ट्रेनिंग दी जाए और अगर कोई बच्चा इमरजेंसी कंडीशन में आता है तो उसको कैसे संभालना है, ये इस वक्त उसकी ट्रेनिंग चल रही है। इस ट्रेनिंग में डॉक्टर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स, नर्सेज सभी लोग मौजूद हैं और वो इस बात को इस डमी के जरिए समझ रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर सुजया मुखोपाध्याय हैं। जो ये ट्रेनिंग इस वक्त चल रही है इसकी जरूरत क्यों पड़ी, आपको क्या लगता है? देखिए जैसा बोला जा रहा है कि थर्ड वेव में बच्चे ज्यादा प्रभावित होंगे एंड बच्चों को जो मैनेज करना वो डिफरेंट होता है बड़ों को मैनेज करने से, ठीक है। तो इसके लिए नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर्स, दूसरी स्ट्रीम के डॉक्टर्स जो पीडियाट्रिक्स के नहीं हो, उनको बच्चों में कैसे मैनेज करना है वो हम सिखा रहे हैं। इन्हें बड़ों का मैनेज करना आता है पर बच्चों में जब आती है चीजें तो वो नहीं उतना कॉन्फिडेंट। अभी ये जो ट्रेनिंग चल रही है अगर आप इसको एक्सप्लेन कर सकें। देखिए ये लोग ये दिखा रहे हैं कि अगर कोई ऐसा सिक बच्चा आता है जो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, बेहोश है और उसके दिल की गति बहुत कम हो गई है तो उसको चेस्ट कंप्रेशन कैसे दिया जाए, ठीक है। ये जो सिखाया जाता है इसे बेसिक लाइफ सपोर्ट बोला जाता है और वो जो सामने कर रहे हैं वो चेस्ट कंप्रेशन दे रहे हैं। ये जो इस वक्त वो ऑक्सीजन मास्क लगाकर और एमबीयू बैग लगा ऐसे कर रहा है उसको चेस्ट कंप्रेशन बोल रहे हैं। तो ये चेस्ट कंप्रेशन देना सिखा रहे हैं और उसके साथ वो ऑक्सीजन सिखा रहे हैं। तो अगर ऐसा कोई बच्चा आएगा दिल की गति कम हो गई या सांस नहीं ले पा रहा है इमीडिएटली कैसे मैनेज किया जाए, ये चीजें हम इनको यहाँ सिखा रहे हैं। ये जो तमाम सामान है बच्चों के लिए बिल्कुल अलग होता है और बड़ों के लिए बिल्कुल अलग होता है, उसी को ध्यान में रखकर ट्रेनिंग को डिजाइन किया जाता है। हाँ, जो ट्रेनिंग होती है बच्चों के लिए डिफरेंट गाइडलाइंस होती है, बड़ों की गाइडलाइंस डिफरेंट होती है तो उस हिसाब से ही कराया जाता है। और ये जो हम पीछे सेटअप देख रहे हैं ये आईसीयू के हिसाब से बनाया गया है, यहाँ पर क्या सीखते हैं? ठीक है, यहाँ हम सिखाते हैं कि अगर एक बच्चा आपका आईसीयू में एडमिट हो गया तो आप उसको कैसे क्या क्या मैनेज करोगे, क्या क्या देखोगे, ठीक है ना। जैसे वो मॉनिटर है उसमें हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, सैचुरेशन ये सब देखना है। वेंटिलेटर यहाँ हम सिखाते हैं ये ट्यूबिंग्स कैसे लगानी है और कौन से साइज की ट्यूब लगेगी। वेंटिलेटर पे बड़ों के ट्यूब की साइज और बच्चों के ट्यूब की साइज डिफरेंट है तो उन्हें ये आइडेंटिफाई कराते हैं हम लोग कि इतने से इस किलो तक का बच्चा आया तो ऐसे वाला ट्यूबिंग, उससे बड़ा बच्चा आया तो वैसा वाला ट्यूबिंग। तो आप जो यहाँ पर अभी देख रहे हैं ये वेंटिलेटर्स, ये बच्चों के लिए अलग होते हैं और बड़ों के लिए अलग होते हैं। इनके जो पैरामीटर्स होते हैं ये भी इस हिसाब से डिजाइन किए जाते हैं कि ये बच्चों के हिसाब से लेवल्स को बताएं, जो उनके नॉर्मल लेवल्स हैं वो बड़ों से अलग होते हैं, उसी के हिसाब से इसे सेट किया जाता है। एक बार फिर आपको वो ट्रेनिंग दिखा देते हैं जो यहाँ पर चल रही है जिसमें इमरजेंसी हालात में अगर कोई बच्चा आया है तो उसको किस तरह से मैनेज करना है ये सिखाया जा रहा है। डॉक्टर अनुपम, आपसे मैं समझना चाहूंगी ये जो एमबीयू बैग के जरिए अभी ये सीखा जा रहा है ये दरअसल क्या है और किस चीज की ट्रेनिंग? ये बेसिकली सबसे है कि अगर बच्चा आपके इमरजेंसी डिपार्टमेंट में अगर आता है और बच्चा आते ही अनकॉन्शियस है तो उसके बाद हमें क्या क्या नेक्स्ट स्टेप लेना है वो हम सिखा रहे हैं, जिसको हम बेसिक लाइफ सपोर्ट बीएलएस बोलते हैं। हम इनको बीएलएस सिखा रहे हैं यहाँ पे हम लोग। तो बेसिक लाइफ सपोर्ट जिसे कहते हैं, आप यहाँ पर ये देखिए कि किस तरह से चेस्ट कंप्रेशन देना है, यानी अगर कोई बच्चा ऐसे हालात में आया कि वो बेहोश है और उसकी सांस का भी पता नहीं चल रहा है तो चेस्ट कंप्रेशन कैसे दिया जाता है, ये उसकी ट्रेनिंग यहाँ पर अलग अलग लोग ले रहे हैं। आपसे अगर मैं पूछूं कि ये जो अभी आप सीख रहे हैं इस ट्रेनिंग से कितना समझ में आ पा रहा है? इससे मुझे बहुत जानकारी मिल रही है। इस ट्रेनिंग से आप कंप्रेशन सीख पा रहे हैं? यस मैम जी। तो यहाँ पर ये आप ट्रेनिंग देख रहे हैं, जो डमी है वो खास तौर पर उसी हिसाब से डिजाइन की गई है जैसे कि
बच्चे पर सीखना है अगर तो कैसे सीखना है उसी के हिसाब से ये मैनिक्विंस आपको नजर आ रही हैं। बच्चों की जरूरतें अलग होती हैं। आपसे अगर मैं पूछूं बड़ों को मैनेज करना और बच्चों को मैनेज करना, उसमें आपने ट्रेनिंग के दौरान क्या पाया, किस तरह का फर्क होता है? मैम इसमें ट्रेनिंग के दौरान हम BLS क्लास हमने पहले भी कर चुके हैं, इसमें CPR की प्रोसेस हो गई है। इसमें हम एडल्ट में जो करेंगे 30:2 पे करेंगे, जैसे इसकी डीप है कैसे हमें करना है ये सब करना पड़ेगा। अब बच्चों में एकदम डिफरेंट है, उसमें रेशियो भी अलग अलग होते हैं, जैसे 15:2 15 बार करना है लेकिन वो फिंगर से करना है। डॉक्टर अनुपम अगर मैं आपसे पूछूं तो बच्चों को जब मैनेज करना होता है बड़ों से बहुत अलग सिनेरियो होता है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि अगर यही इसी हालत में कोई बड़ा आए और बच्चा आए तो क्या फर्क रहेगा? इसलिए जब छोटा बच्चा आता है तो सबसे पहले हमें बच्चों के अंदर, जो बड़ों के अंदर आप नॉर्मल आप शुरू हो जाते हैं कि आप अपना वो शुरू कर दी CPR, और बहुत छोटा बच्चा है तो उसमें आप अपना पूरी हथेली नहीं लगा सकते हैं, तो आपको दो फिंगर यूज करनी पड़ती हैं। कभी कभी आपको दो थम टेक्निक होती, टू थम टेक्निक होती है, तो वो यूज करना है, तो वो नई चीज हो जाती है। क्योंकि ये जो है हमारे पास जितने भी लोग हैं ये सब अडल्ट्स में ट्रेन है, पर बच्चों में ट्रेनिंग इनको कभी मिली नहीं है चीज की। बिल्कुल, और अभी ये माना जा रहा है कि बच्चों पर अगर खतरा आता है तो ज्यादा से ज्यादा ट्रेंड लोग चाहिए जो पीडियाट्रिक ट्रेनिंग के हिसाब से अपने आप को तैयार कर चुके हों, और ये उसी की तैयारी चल रही है। ICU कंडीशंस में बच्चों को कैसे संभाला जाता है हम आपको वो भी दिखाते हैं। अब इस वक्त जो हालात आप देख रहे हैं वो ICU के हालात हैं। अगर कोई बच्चा ICU में पहुंचता है और उसे वेंटिलेटर लगाने की जरूरत पड़ती है तो वो कैसे लगाया जाएगा वो ये समझाया जा रहा है, और इस बात को भी समझाया जा रहा है कि अगर कोविड के हालात होंगे तो किस तरह से प्रिकॉशंस लेनी है। यहाँ से आया ये हुआ बैक्टीरिया फिल्टर, ठीक है, यहाँ से जो, और अगर डॉक्टर साहब इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल मैं आपसे पूछूंगी कि कोविड में क्या कुछ अलग ध्यान भी रखा जा रहा है? अभी हमने कोविड के अंदर इम्पोर्टेंट है एक ये फिल्टर हम एक्सपिरेटरी लिम में हम एक एक्स्ट्रा लगाने लगे हैं, ये बाकी उसमें टाइम भी लगता था पर इसमें कोविड में हमें पक्का ही लगाना है। क्योंकि जब ये सांस आती है बच्चे से जो भी कोविड में उसमें कोविड वाले कीटाणु मौजूद है वो हमारा वेंटिलेटर में ना खराब जाए वापस, तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक फिल्टर लगाया हुआ है जो वायरल फिल्टर होता है वो उसको सब फिल्टर करता है और उसी की वजह से आगे हम नहीं भेजते हैं। ये जो ट्यूबिंग्स होती हैं, ये जो चीजें लगाई जाती हैं, ये भी बच्चों के हिसाब से अलग होती है? सबकी साइज डिफरेंट होता है। बच्चों में ये जो होती है ट्यूबिंग 10 मिलीमीटर की न्यूनेट की होती है, कुछ 15 मिलीमीटर की आती है, बड़ों में वही 21-22 मिलीमीटर की आती है। ट्यूबिंग का साइज होता है वो डिफरेंट होता है सारा। फिर हम बच्चों में कोशिश करते हैं ह्यूमिडिफायर एक चीज होती है इसको लगाए जाए, बड़ों में काफी हमने दिखाया बिना ह्यूमिडिफायर के हम दे सकते हैं, तो बच्चों के अंदर हम विद ह्यूमिडिफायर ही देना चाहिए ज्यादातर, जिससे हमारा सूखी हवा ना जाए और ह्यूमिडिफाई होकर एयर पहुंचे। जी, तो यहाँ पर ICU में किस तरह से बच्चे को मैनेज करना है आप वो देख रहे हैं कि वेंटिलेटर पर अगर बच्चा चला जाता है तो ट्यूब्स का ध्यान कैसे रखना है, कोरोना से बचाव करते हुए उसके मैनेजमेंट का ध्यान कैसे रखना है। मैम हम यहाँ देख रहे हैं बहुत सारे ये पोस्टर्स भी लगे हुए हैं जिसमें अलग अलग तरीके से भी सिखाया गया है, तो अगर मैं इसके बारे में आपसे पूछूं मैनेजमेंट ऑफ अक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर, क्योंकि कोरोना में सबसे ज्यादा रेस्पिरेटरी सांस की दिक्कत होती है, तो इसमें क्या बताया गया है, इससे क्या सीख सकते हैं? इसमें हम लोगों ने मेनली सिखाया कि कॉज क्या क्या हो सकते हैं एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर, और आपको एग्जामिनेशन अगर करोगे तो आपको क्या 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 मिलेगा। जैसे आपको मिलेगा कि हार्ट रेट बढ़ गया है, बच्चे को स्वेटिंग हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ठीक है, बेहोश सा हो रहा है, नीला पड़ रहा है, साइनोसिस नीला पड़ रहा है, ठीक है। फिर आप उसे मैनेज कैसे करोगे, कॉज देखो, सपोर्टिव मैनेजमेंट दो, ऑक्सीजन दो, सैचुरेशन 90 के ऊपर रखो, ठीक है। सेंसोरियम अगर गुड है तो आप उसे फेस मास्क से या प्रॉन्ग से, मास्क लगाते हैं ना हम लोग, इनसे ऑक्सीजन दो। अगर आपको लग रहा है नहीं वो नहीं मेंटेन कर पा रहा तो बाईपैप, आजकल आप लोग सुन रहे होंगे बाईपैप NIV, वो उससे सांस दीजिए, और कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो वेंटिलेशन पे लगा। जी, तो यहाँ पर ये जो बेसिक, अगर कोई बच्चा रेस्पिरेटरी फेलियर यानी सांस की दिक्कत के साथ आता है जो कि कोरोना में सबसे कॉमन है, तो उसको कैसे मैनेज करना है वो सिखाया गया है। और इस ट्रेनिंग में इसीलिए इस तरह के डमीज का इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि जो बहुत छोटा बच्चा होता है उसको तो कैन्यूला लगाना भी एक चुनौती होती है, इतने छोटे बच्चे को किस तरह से कैन्यूला लगाया जाए ये भी यहाँ पर सिखाया जा रहा है। मकसद सिर्फ यही है कि अगर तीसरी लहर आती है और अगर बच्चे इन्वॉल्व होते हैं तो उस वक्त जो हेल्थ केयर स्टाफ है वो खास तौर पर इतने छोटे बच्चों के संभालने के लिए तैयार रहे।
आईसीयू मैनेजमेंट आपने देखा है, लेकिन आईसीयू में जो सामान होता है बच्चों का वो भी बिल्कुल अलग होता है बड़ों के मुकाबले, और यहाँ पर उस तरह के सामान को भी रखा गया है ताकि जब ट्रेनिंग ली जा रही हो तो ये भी पता चले कि इनके साइजेज अलग अलग होते हैं। अगर आप ये बता सके डॉक्टर सुजया कि ये यहाँ पर क्या चीजें हैं और ये कैसे बड़ों से अलग होती है। देखिये, ये बाईपैप एनआईवी जो आप लोग सुन रहे हैं, ठीक है ना, ये उसका ही मास्क है, उसका एक मास्क है बड़ों का मास्क। या सपोज कोई 17-18 साल का बच्चा आया तो उसमें हम ये मास्क लगाएंगे, पर अगर कोई छोटा बच्चा हो 10-12 साल का और उसे हमें बाईपैप पे रखना हो तो हम ये छोटा मास्क लगाएंगे। तो इनके साइज वेरी करते हैं, ठीक है। कई बार हम बच्चों को नेजल मास्क भी लगाते हैं, ये भी एक है जो नाक पे लगेगा बच्चे के, बाईपैप ही देता है पर नाक पे लगता है, मुंह नहीं कवर करता। ये बहुत छोटे बच्चे के लिए है? नहीं, बहुत छोटा नहीं, ये अराउंड 13-14 ईयर्स के बच्चे के लिए होगा, मीडियम साइज, ऐसे नाक पे लगेगा ये। यहाँ हम लोग बच्चों के वो दिखा रहे हैं और कैनुलेशन वगैरह सिखा रहे हैं जी। आईवी एक टर्म आप अक्सर सुनते हैं कि आईवी दिया जा रहा है या इंजेक्शन दिए जा रहे हैं, दवा जो है वो कैन्यूला के थ्रू दी जा रही है, वो कैसे दी जाती है ये यहाँ पर सिखाई जा रही है। बेसिकली क्या होता है कि हमारे बच्चों की जो वेन्स होती है बहुत ही फ्रेजाइल होती है जी, तो अडल्ट की तो लगा लेते हैं, तो बच्चों में थोड़ा सा एक्सपर्टीज होना चाहिए, वही हम इनको सिखा रहे हैं। ये देखिए कि बच्चों में जो वेन ढूंढना है वो भी एक काम है, वो एक चुनौती है और उसको भी आना चाहिए जब जरूरत हो। ये एक वेन फाइंडर है जिसके जरिए वेन्स ढूंढी जाती है। ऊपर करके दिखाऊंगी, यहाँ लगाएं जी। ठीक है सिस्टर, कुछ मुश्किल होती है जब बच्चों के साथ डील करना होता है? नहीं, कोई मुश्किल नहीं होती। ये जो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये फ्लूइड है, ये किस लिए है और इसका क्या रोल? बेसिकली ब्लड को रिजेंबल करने के लिए ट्रेनिंग के दौरान इसको लगाया गया है कि जब हम प्रिक करते हैं तो ब्लड आएगा इसके थ्रू, तो जब ये प्रिक करेंगे तो वो आएगा या दिखेगा हम लोग को दिखती नहीं, इसलिए हम लोग ये वेन फाइंडर, और भी वेन फाइंडर